मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यक्षेत्र। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का बहुत ही व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजारंजन, प्रजारक्षण और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। प्रजारंजन की परिधि में मनु ने राज्य के द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल किया है, सम्मिलित किया है, विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया है। राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पहला पॉइंट है प्रजारक्षण। प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है और ये राज्य का मूल आधार है। इसी मूल आधार के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में इस बारे में बहुत ही विस्तृत चित्रण मिलता है। मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। ग्रंथ में वस्तुतः प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। जब राज्य में अराजकता फैली हुई थी तो इस अराजकता को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने विभिन्न देवताओं के सार्वभौत नित्य अंश से राजा का निर्माण किया। प्रारंभ में मातृश्य न्याय के न्याय से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई, इसलिए प्रजा रक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य है। मनु ने साथ में ये भी कहा कि राज्य में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, इन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से भी रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही आंतरिक दृष्टि से अपराधियों और प्रजापालन, अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। भारी आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध अपनाने का परामर्श दिया है, अर्थात राजा युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुने। दूसरा है लोक कल्याण। प्राचीन भारतीय चिंतन के समस्त ग्रंथों में राज्य को निरंकुश घोषित नहीं किया गया है, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, महाकाव्य हो, नीति ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, उपनिषद और सब जितने भी जो प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों में, सभी ग्रंथों में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। राज्य का प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याण करना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है मनुस्मृति में। मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम की मोक्ष की स्थापना करना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व में सम्मिलित किया है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की राज्य के कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि यह प्रजा के भौतिक नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयाम को समाहित कर लेती है। मनु ने राज्य कर्तव्य माना है कि वह अप्राप्त को प्राप्त करे, प्राप्त की वृद्धि करे, वृद्धि की रक्षा करे और रक्षित की सुपात्र में वितरण करे। मनु ने माना है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना विशिष्ट आवश्यक मानते हुए मनु ने कहा है कि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपने समस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए करेगा। ज्ञान के आदान प्रदान के बौद्धिक कार्यों में लगे हुए ब्राह्मणों को जीवन निर्वाह के लिए इस संबंध में अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो मनु का दृष्टिकोण अरस्तु से मिलता है। अरस्तु बौद्धिक कार्यों में लगे हुए लोगों को उनके जीवन निर्वाह की दुष्चिंताओं से मुक्त करने के लिए दास प्रथा का समर्थन करता है। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है।
और तथा प्रतिपादित किया है कि प्रजा के प्रति दायित्वों की पूर्ति के आधार पर ही शासक प्रजा से कर व आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्वक अधिकारी होता है। मनु ने प्रजा के सर्वतोमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शासक से समस्त विद्याओं त्रयी अंश की वार्ता और दंड नीति का सम्यक उपयोग करना अनिवार्य माना है। तीसरा जो पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया तथा प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति और समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी असामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है। इस संदर्भ में कर व्यवस्था के संदर्भ में मनु ने कहा है कि जिस तरह से जोंक बछड़ा और भ्रमर अपने अपने खाद्य का थोड़ा थोड़ा अंश ग्रहण करते हैं, तो राजा इसी प्रकार से प्रजा पर करों का भार न डाल करके उनसे थोड़ा थोड़ा कर ग्रहण करेगा, उनके सामर्थ्य के अनुसार कर ग्रहण करेगा। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति भी शासक को सतर्क करते हुए उससे यह अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों यथा मिलावट, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना आदि से प्रजा की रक्षा करें। चौथा पॉइंट है इस संदर्भ में राज्य के कार्यक्षेत्र में कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नियमन। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नियमन मनु ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह नियमन को राज्य का दायित्व माना है और इस संदर्भ में मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। ग्रंथ में व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने राज्य का यह प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। इसी प्रकार समस्त वर्णों और आश्रमों वर्ण जो चार हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार आश्रम हैं ब्रह्मचार्य आश्रम गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम इन वर्णों और आश्रमों की रक्षा को भी राज्य का आवश्यक दायित्व माना है। ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की है। नेक्स्ट है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मातृश्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। मनु के अनुसार राज्य अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है, उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोकता है। मनु के अनुसार ये राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है कि समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं, अपने अपने कर्तव्य को विस्तृत नहीं होते हैं। मनु की मान्यता है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से एवं विचार पूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत यदि इसका समव्यवहार अनुचित रीति से तथा लोभ या प्रमाद के आधार पर किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। मनु ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में उच्चकलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, अतः दंड का भय ही व्यक्ति को न्याय और कर्तव्य के पथ पर सुदृढ़ रखता है। मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व के समुचित
पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाए तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को आक्रांत कर लेंगे और समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा तथा इस प्रकार सर्वत्र अन्याय व्याप्त हो जाएगा। अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करता है। अगला जो पॉइंट है वह है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में मनु का यह दृष्टिकोण है कि एक सक्षम और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कि राजा अपने दायित्वों की पूर्ति सही ढंग से कर सके। प्रशासन बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ होगा तो वह जन कल्याण कार्यकारी कर पाएगा। यदि प्रशासन सुदृढ़ और सक्षम नहीं है तो एक तरीके से प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलेगा और प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी और इसमें लग जाएंगे। तो मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि प्रशासन व्यवस्था में कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे, ऐसे कठोर प्रावधान करे जिससे कि कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सके और अपने दायित्वों की पूर्ति सही ढंग से कर सके। कोई भी कर्मचारी अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे और प्रजा को पीड़ित न करे, ये राजा को परामर्श दिया है कि ऐसी सक्षम और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किया जाना बहुत ही आवश्यक है। लास्ट जो है राज्य के कार्य क्षेत्र का परराज संबंधों का निर्वाह। परराज संबंध का मतलब यह है कि विदेश नीति किस प्रकार से होगी, दूसरे राजाओं के साथ में किस प्रकार का संबंध बनाए रखे राजा, किन सिद्धांतों का पालन करे, किन सिद्धांतों को अपनाए और एक तरीके से अपने आप को संपूर्ण राज्य का वह उपभोग कर सके। इस संदर्भ में मनु ने परराज संबंधों का निर्वाह करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना है। मनु ने परराज संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। राज्य का विवेकपूर्ण संचालन हो परराज संबंधों के संदर्भ में। मनु की मान्यता यह भी है कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को भारी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। मनु के अनुसार परराज संबंधों के संबंध में शासक युक्तियुक्त और विवेक के प्रयोग के द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझना पड़े। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि मनु युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर देता है। ये इस बात की अनुशंसा की गई है कि जब समस्त साधन समाप्त हो जाएं तो युद्ध ही अंतिम विकल्प के रूप में रहे, युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चुना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मनु ने परराज संबंधों में राज्य अनावश्यक रूप से युद्धों में न उलझे इसका परामर्श दिया है। मनु ने अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। सैद्धांतिक रूपरेखा में उसने मंडल सिद्धांत, षडगुण नीति उपायों का सारा लिया है। व्यवहारिक जो सिद्धांत हैं परराज संबंधों के, उसमें गुप्तचर व्यवस्था और दूत व्यवस्था को उसने सम्मिलित किया है और ये एक तरीके से ये जो उपाय हैं ये जो व्यवहारिक उपाय हैं ये दिखाई देते हैं। तो मनु ने परराज संबंधों में मंडल सिद्धांत, षडगुण नीति उपाय, इसका विवेक सम्मत पालन करने के निर्देश दिए हैं। मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की व्यापक परिधि का विवेचन
राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है, अर्थात मनु का जो राज्य है, राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है। किंतु ये टिप्पणी उचित है कि जहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति सार जैसे ग्रंथ राज्य के दायित्वों व गतिविधियों का विस्तृत विवेचन करते हैं, मनुस्मृति में राज्य के कार्यों की विस्तृत सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। मनु ने सैद्धांतिक रूप से राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया। धन्यवाद।